नमस्ते बच्चों, आज हम लोग पाठ दो ठीक काम करें पढ़ेंगे। जैसा कि आज के ऑनलाइन क्लास में मैंने इस पाठ को बताया भी है, कुछ बच्चे वहाँ उपस्थित नहीं थे, इसलिए मैं इस पाठ को फिर से पढ़ाने जा रही हूँ और विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगी। वहाँ मैंने इसका संक्षिप्त विवरण दिया था कि इस पाठ में क्या बताया गया है। तो बच्चों, जैसा कि पाठ का नाम है ठीक काम करें, ठीक अर्थात सही काम करें। हमें कैसा काम करना चाहिए? सही काम करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। ऊपर यहाँ पिंक बॉक्स में जो शब्द है उसे मैंने उच्चारण के साथ आप लोगों को पहले ही करवा दिया है। तो आइए अब हम लोग इस पाठ को पढ़ें। यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चों के नाम दिए गए हैं। ये बच्चे सब क्या हैं? एक दूसरे के मित्र हैं और बगीचे में ये लोग हैं, ये भी आप चित्र से देख रहे हैं। तो आइए मैं इस पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ाती हूँ। पहला मित्र रमेश, इसने क्या कहा? आहा, कितने सुंदर फूल हैं। गीता, उसके इस बात को सुनकर गीता ने कहा, अरे यहाँ तो माली भी नहीं है। राजू, आओ फूल तोड़ते हैं। गीता की इस बात को सुनकर राजू ने कहा कि जब माली नहीं है, माली कौन होता है बच्चों, आप जानते हैं, जो पेड़ पौधों की देखभाल करता है, उसमें समय समय पर पानी डालता है, खाद डालता है और साथ में बगीचे की रखवाली भी करता है कि कोई फूल ना तोड़ ले। तो गीता ने जब ऐसा कहा तो राजू ने उत्तर दिया कि आओ फूल तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ माली नहीं है। मोहन, नहीं उधर नहीं जाओ। उन लोगों का एक मित्र था मोहन, उसने मना किया कि नहीं, बगीचे की तरफ मत जाओ। फिर रमेश ने कहा, देखो वहाँ पर लिखा है फूल तोड़ना मना है। जैसे मैं दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ बगीचे में लिखा हुआ है कि फूल तोड़ना क्या है? मना है। तो रमेश ने ये बात सभी से कहा कि देखो बगीचे में लिखा हुआ भी है कि यहाँ फूल तोड़ना मना है। फिर राजू ने कहा, कोई देख तो नहीं रहा है। उसने कहा कि हमें कोई देखता तो चलो हम फूल नहीं तोड़ते, लेकिन यहाँ माली नहीं है और कोई भी नहीं है तो कोई हम लोगों को देख नहीं रहा, इसलिए हम लोग फूल तोड़ सकते हैं। इतने में गीता ने कहा, अरे देखो राजू की अंगुली में कांटा चुभ गया है। क्या हुआ? इससे क्या पता चल रहा है कि राजू फूल तोड़ने गया और उसकी अंगुली में कांटा चुभ गया, क्योंकि फूल के साथ कांटे भी होते हैं। खासकर जब हम गुलाब का फूल देखते हैं तो उसके साथ कांटा भी दिखता है हमें, इसीलिए हम लोग जब भी अगर ज़रूरत पड़े तो फूल तोड़ने जाते हैं तो क्या करते हैं, सावधानी पूर्वक फूल तोड़ते हैं कि कहीं कांटा न चुभ जाए। लेकिन राजू ने सावधानी नहीं बरती तो उसकी उंगली में क्या हुआ? कांटा चुभ गया। फिर मोहन ने कहा, उसकी उंगली से तो खून बह रहा है, मतलब कांटा गहरा चुभ गया और उसकी उंगली से खून निकलने लगा। फिर गीता ने कहा, मैं कांटा निकाल कर दवाई लगा देती हूँ। उसने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं इस पे जहाँ खून निकल रहा है वहाँ से कांटा निकालती हूँ और उसके ऊपर दवाई लगा देती हूँ। रमेश ने कहा, देख लिया ठीक काम ना करने का नतीजा? रमेश ने कहा, मैंने पहले ही मना किया था कि उधर मत जाओ, तुम लोगों ने गलत काम किया तो उसका नतीजा पता चला। इससे क्या पता चलता है बच्चों कि गलत काम का नतीजा क्या होता है? गलत होता है। राजू ने कहा कि मैं अब कभी गलत काम नहीं करूँगा। उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ और उसने कभी गलत काम नहीं करने का वादा किया। मोहन, गीता, तुमने केला खाकर छिलका सड़क पर फेंक दिया। अब गीता ने क्या किया? एक गलती तो राजू ने की, दूसरी गलती गीता ने की। क्या किया गीता ने? केला खाकर छिलका सड़क पर फेंक दिया। हमें छिलका कहाँ फेंकना चाहिए? कूड़ेदान में।
सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। गीता ने क्या उत्तर दिया? कुछ नहीं होता। उसने कहा कि छिलका अगर मैंने सड़क पर फेंक भी दिया है तो इससे कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं है। फिर मोहन ने कहा, अगर उस पर किसी का पाँव पड़ गया तो वह फिसल जाएगा। या मोहन ने गीता को समझाया। इतनी ही देर में राजू ने कहा, वह देखो बूढ़े बाबा फिसल गए। जब तक गीता और मोहन आपस में ये बातें कर ही रहे थे, तब तक राजू ने कहा कि उधर देखो बूढ़े बाबा उस केले के छिलके पर क्या हो गए, फिसल गए। जैसा कि यहाँ चित्र में आप लोग देख रहे हैं कि बूढ़े बाबा गिर गए हैं। फिर रमेश भाग कर उठाते हुए, बाबा चोट तो नहीं लगी? रमेश ने बूढ़े बाबा से पूछा कि बाबा चोट भी लगी आपको? हम लोग जब गिरते हैं तो क्या होता है, चोट लग जाती है ना। बूढ़ा बाबा उन्होंने क्या उत्तर दिया? बस बच ही गया बेटा, मतलब बहुत ज़्यादा चोट उन्हें नहीं लगी थी। रमेश, बाबा गीता को अपने किए पर बहुत पछतावा है। गीता ने जब देखा कि केले के छिलके से फिसल कर बूढ़े बाबा गिर गए तो उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ था। इसलिए रमेश ने ये बातें बूढ़े बाबा को, इन बातों को बूढ़े बाबा को बताया कि गीता को अपनी गलती पर पछतावा है। गीता, मुझे माफ़ कर दो बाबा, मैं अब कभी सड़क पर केले का छिलका नहीं फेंकूंगी। उसने कैसे माफ़ी मांगी? यह कहकर कि आप माफ़ कर दीजिए, मैं अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी कि केले का छिलका मैं सड़क पर फेंकूंगी, ये गलती अब मुझसे कभी नहीं होगी। बूढ़ा बाबा फिर क्या बोले? कोई बात नहीं बेटी, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। अर्थात अगर आपको अपनी गलती समझ में आ जाए तो फिर वह गलती गलती नहीं रहती। मोहन, बाबा हम समझे नहीं। मोहन ने कहा कि बाबा आपने जो ये बात कही कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। बूढ़ा बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, सुनो बेटा, अगर गलती करने वाला यह समझ ले कि उसने गलती की है तो वह गलती गलती नहीं रह जाती। फिर बूढ़ा बाबा जो थे उन्होंने मोहन को समझाया कि उन्होंने जो कहा उसका क्या अर्थ है। सब एक साथ, सब अर्थात जितने भी मित्र थे, सब ने एक साथ बूढ़ा बाबा से कहा, अब समझ में आया बाबा। सबकी समझ में बात आ गई जो बूढ़े बाबा ने समझाया कि गलती अगर हो भी जाती है तो उसे आप स्वीकार कीजिए कि हाँ मैंने गलती की है, और उसे सुधारने की कोशिश भी कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ से हम क्या सीखते हैं कि हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे। क्योंकि गलत काम करने का नतीजा, गलती का जब भी आप करेंगे तो उसका नतीजा अर्थात फल जो होगा वह गलत होगा, और अच्छे काम का जो फल होता है वह क्या होता है, अच्छा होता है। तो हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, अर्थात ठीक काम करना चाहिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, आगे मैं अगली कक्षा में बताऊंगी। बाय।